नमस्ते, किचन के किंग्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे सैंडविच जो कि होगा वेज लोडेड विद चीज़। एकदम इजी है, बहुत ही बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सारी सब्जियों को कर लेंगे सॉटे। क्योंकि मुझे कच्ची सब्जियाँ नहीं पसंद हैं, इसलिए मैं सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनियन ऐड किया है, हाफ अनियन मैंने लिया है। मैं यहाँ पर दो सैंडविच बनाऊँगी तो हाफ अनियन उसके लिए सफिशेंट है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न्स। देखिए, कॉर्न्स को भी हम एकदम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि अगर हम कच्चे कॉर्न्स यूज़ करते हैं, कच्चे कॉर्न्स का मुँह में जो टेस्ट आता है वो थोड़ा मीठा मीठा ज़्यादा आता है, इसलिए हम उसे एकदम अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्ची। मैंने यहाँ पर ग्रीन और रेड शिमला मिर्च ऐड किया है। तो चलिए अब हम सब्जियों को एकदम अच्छे से यहाँ पर टोस्ट कर लेंगे, यानी हम इसे हाई फ्लेम पे पका लेंगे। ज़्यादा आप सब्जियों को ना पकाएं। जब तक सब्जियाँ पक रही हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, यानी कि नमक। आप चाहें अपनी पसंद के अनुसार मसाले ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिल्ली फ्लिक्स और गरम मसाला ऐड किया है। हमारे चैनल पे आपको सारी ही रेसिपीज़ एकदम कम मसाले में, कम ऑयल में और बहुत ही टेस्टी मिलेंगी। आप ज़रूर से हमारे चैनल पे दूसरी रेसिपीज़ भी चेक करें। सब्जियां ऑलमोस्ट हमारी रेडी हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयो। अगर आप और हेल्दी सैंडविच बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ग्रीक योगर्ट, यानी आप दही का जो पानी है वो निकाल दें और दही को आप इसमें ऐड करें। लेकिन आप जब दही को ऐड करें उस टाइम पे आप सब्जियों को सॉटे करके ठंडा कर लें और उसके बाद ही आप उसमें ग्रीक योगर्ट ऐड करें। सब्जियां हमारी रेडी हैं, तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग ब्रेड में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेयो को ब्रेड के अंदर लगा लिया है। अब यहाँ पर भी आप इसमें टोमेटो सॉस, शेजवान चटनी या फिर जो भी सॉस, हरी चटनी, जो भी आपको चटनी यूज़ करनी हो आप वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो ब्रेड्स पे लगाया है मेयो और दूसरे दो ब्रेड्स पे मैंने आधी शेजवान चटनी और आधा टोमेटो सॉस यूज़ किया है। आप चाहें अपनी पसंद के अनुसार चटनियाँ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी चटनियाँ हमारी होममेड चटनियाँ हैं, आप वो भी हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए, एकदम अच्छे से आप ब्रेड के ऊपर सॉस को स्प्रेड करें। एक ब्रेड के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो ये दूसरे ब्रेड पे भी मैं आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ। एकदम अच्छे से आप स्प्रेड कर लें, क्योंकि सारा ही कुछ हमारा होममेड है तो ये बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं होता है। मार्केट से हम स्ट्रीट फूड खाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो आप घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए एकदम हेल्दी फूड। अब हम फिलिंग को ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और एकदम अच्छे से फिलिंग को आप स्प्रेड करें, कोई कॉर्नर ना छूटें। एकदम चम्मच से आप धीरे धीरे इसे डाल लें। एक ब्रेड के ऊपर मैंने फिलिंग सारी डाल दी है, दूसरे ब्रेड के ऊपर भी मैं आपको ऊपर उठा के ये दिखा देती हूँ। एकदम अच्छे से मैंने यहाँ पर फिलिंग ऐड कर दी है। आप चाहें तो टमाटर और अनियन की स्लाइसेस भी इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चीज़। देखिए, चीज़ की जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, क्योंकि उनको पसंद होती है चीज़। तो आप थोड़ी सी चीज़ ऊपर ज़रूर डाल दें, ज़्यादा चीज़ आप ना डालें, क्योंकि ये भी थोड़ी हैवी हो जाती है और बच्चे फिर और कुछ खाते नहीं हैं जो भी हम हेल्दी घरों में बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप पनीर ऐड कर दें और थोड़ी सी उसमें चीज़ को मिक्स कर दें तो भी ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सैंडविच को कर दिया है कवर। दोनों ब्रेड्स मैंने लगा दिए हैं। एकदम पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं। चीज़ भी है, एकदम क्रीमीनेस भी है, फ्रेशनेस भी है सब्जियों की, और बिल्कुल होममेड और हेल्दी हैं। अब देखिए, टोस्टर सबके पास नहीं होते हैं तो मैं आपको तवे के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ। अब बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं कि हमारा सैंडविच चिपकता नहीं है, जैसे कि टोस्टर में एकदम आपस में चिपक जाते हैं। तो आप क्या करें, तवे के ऊपर सैंडविच को रखें और उसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जो सब्जियां हैं और जो ब्रेड है वो आपस में एकदम अच्छे से चिपक जाएंगे और आपका ब्रेड बिल्कुल जो आप ओवन में या फिर जो आप टोस्टर में बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ये लीजिए, एक ब्रेड हमारा ऑलमोस्ट रेडी है।
वैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा ब्रेड भी टोस्ट कर लूँगी। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही करारे हमारे यहाँ पर सैंडविच बनेंगे। तो लीजिए अब हम इन्हें काट लेते हैं। सेंटर से काटिए, भले ही आप स्क्वायर शेप में काटिए, कैसे भी आप सैंडविच को काट सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। ये देखिए कितने क्रीमी और बहुत ही टेस्टी हमारे सैंडविच बनकर रेडी हैं। हर एक लेयर आपको अलग अलग दिख रही होगी, सॉसेज अलग दिख रहे हैं, सब्जियां अलग दिख रही हैं, और जो हमने इसमें चीज़ ऐड करी है वो भी आपको अलग से दिख रही होगी। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। आप इसे प्लेटर में या फिर किसी भी डिश प्लेट में आप इसे सर्व कर सकते हैं। साथ में आप कोई भी चटनी, सॉस या फिर ग्रीन चटनी यूज़ करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।